नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है नॉइस कलर फिट विजन 3 स्मार्ट वॉच, जो हाल ही में लॉन्च हुई है फ्लिपकार्ट पे और आपको मिलती है 3499 में। ये है क्लासिक एडिशन, मतलब कि आपको इसमें मिलती है मेटालिक बॉडी और लेदर के स्ट्रैप्स। ये है कॉलिंग स्मार्ट वॉच और इसमें है कॉलिंग रेंज 10 मीटर, मतलब कि आपके फोन और स्मार्ट वॉच के बीच में 10 मीटर या उससे कम का डिस्टेंस होगा तभी आपके वॉच में कॉलिंग का फीचर काम करेगा। इसके अलावा इसमें है 1.96 इंच का एमोलेड डिस्प्ले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर के साथ। इसमें है फंक्शनल क्राउन बटन। इसके अलावा इसमें है SPO2 एंड हार्ट रेट सेंसर, 150 प्लस वॉच फेसेस, 100 प्लस वर्कआउट मोड, स्लिप ट्रैकर और ये है IP68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, मतलब कि आप इसे पानी में 1.5 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। तो ये है स्मार्ट वॉच, दिखने में काफी बढ़िया है। इसमें आपको मिलती है जिंक एलॉय की मेटालिक बॉडी, इसलिए इसकी बिल्ड क्वालिटी सॉलिड और स्टडी है। साइड में है 2 मेटल बटन्स, क्राउन बटन, पुश बटन, बीच में है यहाँ पे माइक, इस साइड में है स्पीकर, बैक में है 2 पिन चार्जिंग स्लॉट, SPO2 इनहार्टेड सेंसर और ये जो स्ट्रैप से काफी अच्छे है, लेदर के है, 22mm के। ऊपर में है एक मेटालिक बकल और 2 स्ट्रैप्स होल्डर लेदर के। आप इन स्ट्रैप्स को रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और ऐसे बाहर करना है। इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे के होल में पिन को अलाइन करना है, ऊपर वाली पिन को नीचे खींचना है और फिर होल में ऊपर में इंसर्ट करना है इस तरीके से। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है। इसमें है 300mAh की बैटरी, इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 आवर, आपको मिलेगा 7 डेज का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे और AOD का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में। या आप अपने PC या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो, या आप अपने पावर बैंक से भी अपनी स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हो। इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो आपको ऊपर वाले बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है, जब नॉइस का लोगो दिखाई देगा तब आपको अपनी उंगली रिलीज कर देनी है। तो स्मार्ट वॉच हो चुकी है स्विच ऑन, अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर पर जाकर इसे आपको डाउनलोड करना है, जिसका नाम है नॉइस फिट। तो नॉइस फिट इसे आपको डाउनलोड कीजिए। आपको इसे करना है ओपन, बॉक्स में टिक कीजिए एग्री एंड कंटिन्यू। कंटिन्यू आप अपने किसी भी जीमेल आईडी या ईमेल आईडी का यूज करके इस ऐप में लॉगिन या साइनअप कर सकते हो। मैं करूंगा जीमेल का यूज करके, तो मैं गूगल पे टैप करूंगा। वाइल यूजिंग द ऐप अलाउ कीजिए फिर से ताकि आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन हो जाए। फिर आपको यहाँ पे शो करेगा इस वॉच का नेम कलर फिट विजन 3, आपको इस पे टैप करना है। आपके वॉच में आएगा एक कन्फर्मेशन मैसेज, आपको टिक पे टैप करना होगा। तो वॉच में टिक पे टैप कीजिए, स्टार्ट यूजिंग, परमिशन अलाउ कीजिए, गेट स्टार्टेड। इसके बाद आपको यहां पे करना है प्रोसीड पे टैप और यहां पे देखना है आपको शो करेगा विजन 3। ये रहा विजन 3, आपको इस पे टैप करना है और इसे करना है पेयर, मतलब कि अब आपकी वॉच में भी कॉलिंग का फीचर ऑन हो चुका है, अब आप अपनी वॉच में भी कॉल को रिसीव कर पाओगे। इसके बाद बैक जाइए ऐप में। तो सबसे पहले हम करेंगे इस वॉच के वारंटी को एक्टिवेट। तो आपको जाना है माई डिवाइस के टैब में, ऊपर में शो करेगा बैटरी लेवल, इस पर टैप कीजिए और ये रहा वारंटी को एक्टिवेट करने का ऑप्शन, इस पर टैप कीजिए। आपने इस स्मार्ट वॉच को कहां से परचेस किया है? तो मैंने किया है गो नॉइस की वेबसाइट से। तो आपको यहां पे सिलेक्ट करना है आपने कहां से परचेस किया है। फिर इसके बाद आपको यहां पे एंटर करना है इस वॉच का सीरियल नंबर, जो आपको शो करेगा वॉच के सेटिंग्स में। तो आपको जाना है वॉच के सेटिंग्स में और यहां पे होगा डिवाइस इन्फो, इसे ओपन कीजिए डिवाइस इन्फो को और सबसे लास्ट में ऐसा लिखा होगा SN और इसके नीचे होगा SW, ऐसा लिखा होगा, आपको इस नंबर को यहां पे एंटर करना है। फिर आपको करना है सबमिट पे टैप, इसके बाद आपकी वॉच की वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद बैक जाइए और अब यहां पे है वॉच फेस को चेंज करने का ऑप्शन, तो आपको इस पे टैप करना है। फिर आपको यहां पे नीचे आना है, यहां पे होगा डिजाइन वाइज, उसके सामने लिखा होगा व्यू ऑल, उस पे टैप कीजिए और यहां पे आपको शो करेंगे अलग अलग कैटेगरी, जैसे कि इलस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट, टेक, क्रोनोग्राफ, क्रिसमस, ज्योमेट्री, स्पेस, मिनिमल डिजिटल, मिनिमल एनालॉग, नेचर और न्यू ईयर। तो आपको जिस कैटेगरी में से वॉच फेस को डाउनलोड करना है उसके सामने व्यू ऑल लिखा होगा, उस पर टैप करके उसे आपको ओपन करना है इस तरीके से। अब मान लेते मुझे डाउनलोड करना है इस वॉच फेस को, तो मैं इस पर टैप करूंगा और करूंगा अपडेट वॉच फेस। इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। जो वॉच फेस है अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी हो तो आप वो भी कर सकते हो। आपको जाना है बैक वॉच फेस के होम पेज पे और यहां पे कस्टम में लिखा होगा क्रिएट नाउ का ऑप्शन, ये रहा कस्टम वॉच फेस, क्रिएट नाउ, उस पर टैप कीजिए, नेक्स्ट पे टैप कीजिए और एंड में कीजिए डन, अपलोड पे टैप कीजिए
गैलरी को ओपन कीजिए। जिस फोटो को आपको सेट करना है आपको उस फोटो पे टैप करना है। मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पे टैप करूंगा। आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर आपको करना है टिक पे टैप। आप यहाँ पे अलग अलग फिल्टर को भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलते हैं 5 फिल्टर्स और आप जो फिल्टर्स की इंटेंसिटी है उसे भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। इसके अलावा जो प्लेसमेंट है टाइम का, आपको टाइम कहाँ पे शो करना है, टॉप राइट, टॉप सेंटर, टॉप लेफ्ट, इस तरीके से आप एडजस्ट कर पाओगे प्लेसमेंट को। और जो फॉन्ट की स्टाइल है आप उसे भी चेंज कर सकते हो, राउंडेड, मॉडर्न या फिर क्लासिक, आपको मिलते हैं 3 स्टाइल। इसके अलावा जो कलर है फॉन्ट का आप उसे भी चेंज कर सकते हो। फिर आपको करना है अपलोड पे टैप। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को वॉचफेस पे सेट कर सकते हो। जो फोटो है सेट हो चुकी है वॉचफेस पे, आप देख सकते हो। इस तरीके से आप अपनी वॉच में एक साथ 5 वॉचफेस को प्लेस कर सकते हो। हालांकि जो पहले 4 वॉचफेस होते हैं वो फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। जो आखिरी वाला होता है 5वां वॉचफेस, बस उसी को चेंज कर पाओगे। आप अपनी वॉच से भी वॉचफेस को चेंज कर सकते हो। आपको वॉचफेस पे लॉन्ग टैप करना है और फिर इसे स्वाइप करना है वॉचफेस के बीच में स्विच करने के लिए। सेट करने के लिए टैप कीजिए। अब आगे है नोटिफिकेशन, तो आपको इस पर टैप करना है। ऐप नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए, फिर से उस पर टैप कीजिए। ऐप नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, मैनेज पर टैप कीजिए, ऑल पर टैप कीजिए। अब इनमें से आपको कौन कौन से ऐप्स की नोटिफिकेशन रिसीव करनी है आपकी स्मार्ट वॉच में, आपको उन ऐप्स को ऑन करना है टिक करके इस तरीके से। फिर ऐप्स को चूज करने के बाद आपको करना है सेव चेंजेस। इसके बाद आगे है SMS अलर्ट, तो इस पर टैप कीजिए, ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए परमिशन। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो इस तरीके से आपको मिलेगा कॉल का प्रीव्यू, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो होगा, आपकी वॉच में बजेगी रिंगटोन और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट। सबसे पहला ऑप्शन है रिंगटोन को म्यूट करने का, तो इस पर टैप करोगे तो वॉच में और फोन में जो रिंगटोन बज रही है वो हो जाएगी म्यूट इस तरीके से। इसके बाद रिप्लाई सेंड करने का ऑप्शन, तो जो भी आपने 5 रिप्लाई सेट किया आपके ऐप में यहाँ पे शो करेंगे। आपको इनमें से किसी भी रिप्लाई को सेंड करना हुआ तो आपको इस पर टैप करना है, सामने वाले को जाएगा वो रिप्लाई और आपका कॉल हो जाएगा कट। फिर नीचे आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन, इस कॉल को कट करने का और इसे आंसर करने का। अगर आप इसे करोगे आंसर तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 4 ऑप्शन। तो ये है कॉल के वॉल्यूम को एडजस्ट करने का टॉगल, तो आप यहाँ पे प्लस माइनस के साइन पे टैप करके कॉल के वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। फिर ये है माइक को म्यूट करने का ऑप्शन, तो अगर आपने माइक को म्यूट कर दिया तो सामने वालों को आपकी आवाज नहीं जाएगी। और नीचे है कॉल को कट करने का ऑप्शन, ऊपर में है इस कॉल को स्विच करने का ऑप्शन। तो जो कॉल है चल रहा है आपकी वॉच में, अगर आप चाहते हो कॉल डायरेक्ट स्विच हो जाए आपके फोन में तो आपको इस पर टैप करना है। अब जो कॉल है चला जाएगा आपके फोन में। अगर आपको वापस आना है अपनी वॉच में तो बी पे टैप कीजिए, अपने फोन में भी होगा उस पर टैप कीजिए, फिर से आपकी वॉच में कॉल शो करेगा। अगर आप अपनी वॉच में कॉल के फीचर को यूज नहीं करना चाहते तो आप उसे ऑफ भी कर सकते हो। तो उसे ऑफ करने के लिए आपको जाना है अपने फोन के बीटी सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और यहाँ पे होगा विजन 3, आपको इस पर टैप करना है। तो वॉच हो चुकी है डिसकनेक्टेड। तो इसके बाद अगर आपकी वॉच में कोई भी कॉल आएगा तो आप उसे रिसीव नहीं कर पाओगे अपनी वॉच में, हालांकि आप जो कॉल का रिमाइंडर है उसे देख पाओगे। आप रिंगटोन को म्यूट कर पाओगे, रिप्लाई को भी सेंड कर पाओगे, इसे कट कर पाओगे, हालांकि आप उसे रिसीव नहीं कर पाओगे। आप देखते हैं अगर आपको कोई भी SMS आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो SMS आ चुका है, इस तरीके से आपको मिलेगा SMS का प्रीव्यू, डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट। यहाँ पे शो करेगा कॉन्टैक्ट का नाम, नंबर, डेट, टाइम और आपका मैसेज का कंटेंट। आप जो मैसेज के लिए रिप्लाई है वो भी सेंड कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलेंगे रिप्लाई के लिए ऑप्शन, जिस रिप्लाई को सेंड करना है आपको उस पर टैप करना है, रिप्लाई हो जाएगा सेंड। अगर आपने मैसेज को देखना मिस कर दिया तो कीजिए होम पेज पे स्लाइड डाउन और यहाँ पे शो करेंगे आपके मैसेज, आपको जिसे ओपन करना है उस पर टैप कीजिए। हिंदी फॉन्ट और इमोजी सपोर्ट नहीं करते और आप यहाँ पे मैसेज में एक साथ 3 से 4 लाइन ही देख पाओगे। आप चाहो तो यहाँ से इसे कर सकते हो डिलीट। अगर आपको सभी को एक साथ क्लियर करना हुआ तो नीचे आपको मिलेगा क्लियर ऑल का बटन, सभी को एक साथ क्लियर करने के लिए। और आप यहाँ पे अपने पिछले एक साथ 10 नोटिफिकेशन को रीड कर पाओगे। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप टेक्स्ट आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो व्हाट्सएप आने पे आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन होगा और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट, अच्छी बात है। और यहाँ पे इस तरीके से व्हाट्सएप का आइकन, डेट, टाइम, कॉन्टैक्ट का नाम, नंबर शो करेगा और ये है मैसेज का कॉन्टेंट। अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया तो आपको फिर होम पेज पे करना है स्लाइड डाउन, आप उसे यहां से ओपन कर सकते हो। व्हाट्सएप में आप एक साथ यहां पे 4 से 5 लाइन रीड कर पाओगे। अगर व्हाट्सएप से कोई भी वॉइस कॉल या वीडियो कॉल आएगा तो आप अपनी वॉच में उसे रिसीव नहीं कर पाओगे, हालांकि आपको मिलेगा उसका रिमाइंडर। तो आप देखोगे अगर कोई कॉल आएगा तो आपको यहां पे शो करेगा इस तरीके से इनकमिंग वॉइस कॉल, हालांकि आप उसे रिसीव नहीं कर पाओगे, आपको अपने फोन से उसे रिसीव करना पड़ेगा। आगे है हेल्थ मॉनिटर, इसमें है हार्ट रेट, ये है ऑटो HR, मतलब कि ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजरमेंट।
तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में हर 5 मिनट के बाद हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहेगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है, क्लोज कीजिए। और ये है अलर्ट वैल्यू, तो अगर आप यहाँ पे सेट करोगे, मान लेते हैं 120, तो जब भी आपका हार्ट रेट 120 या उसके ऊपर जाता है तो आपको मिलेगा आपकी वॉच में अलर्ट वाइब्रेशन के साथ। अगर आप ऑटो हार्ट रेट को ऑन करोगे तो आपकी वॉच में बैटरी बैकअप काफी कम मिलेगा, इसलिए मैं इसे ऑफ करूंगा। फिर आप जब चाहे तब अपनी वॉच में मैन्युअली हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो बड़ी आसानी से। यह है रैपिड आई मूवमेंट, जो मेजर होता है सोने के दौरान। तो सोने के दौरान जब आप सपने देखते हो, सबकॉन्शियस माइंड में होते हो, तब आपकी आंखें मूव करती है यहां से वहां, उसे कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। तो रैपिड आई मूवमेंट कब हुआ था, कितने टाइम के लिए हुआ था, अगर आपको चेक करना हुआ आपके स्लीप डेटा रिकॉर्ड में, तो आपको इसे ऑन करना है। फिर आप यहां से अपनी वॉच में पानी पीने का रिमाइंडर, हाथ धोने का रिमाइंडर और आइडल अलर्ट को भी ऑन कर सकते हो। तो जैसे कि आपको सेट करना है आइडल अलर्ट, तो इसका मतलब होता है कि अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो आइडली, तो आपको आएगा हर घंटे आपकी वॉच में अलर्ट कि अब आपको चलना चाहिए, उठना चाहिए। तो आपको इसे ऑन करना है, फिर एडिट पे टैप कीजिए। हर कितने टाइम के बाद आपको ये अलर्ट चाहिए और कौन से टाइम के बीच में आपको चाहिए, स्टार्ट टाइम एंड टाइम भी आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो। फिर आपको करना है सेव पे टैप। फिर आप इस डेटा को अपने गूगल फिट के साथ भी सिंक कर सकते हो, मतलब कि इस ऐप में आपका जो भी डेटा होगा, जैसे कि आपके स्टेप्स, डिस्टेंस, किलो कैलोरी एनर्जी, आपका हार्ट रेट, ये सब कुछ सिंक होगा गूगल फिट ऐप से। मतलब कि आप दोनों ऐप में अपने हेल्थ डेटा को चेक कर पाओगे, गूगल फिट में भी और नॉइस फिट ऐप में भी। तो अगर आपको करना हुआ इससे सिंक, तो करिए कनेक्ट। फिर है माय कॉन्टैक्ट्स, तो आप अपने वॉच में एक साथ मैक्सिमम 10 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हो। तो आपको ऐड पे टैप करना है, कंटिन्यू कीजिए, परमिशन को अलाउ कीजिए। आपको जिन किसी कॉन्टैक्ट को ऐड करना है, आपको उसके सामने बॉक्स होगा, उसमें आपको टिक करना है इस तरीके से। तो मैंने 10 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लिया है। फिर आपको करना है सेव पे टैप। अगर आपको इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट को रिमूव करना हुआ, तो क्रॉस के साइन पे टैप कीजिए और ऐड करने के लिए ऐड पे टैप कीजिए, सेव करने के लिए सेव कीजिए। आगे है क्विक रिप्लाई, तो जब भी आपके फोन में SMS आएगा या कोई भी कॉल आएगा, तो आप उसे क्विक रिप्लाई सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले से ऐड किए गए हैं 5 रिप्लाईज, हालांकि आप इन्हें एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो एडिट पे टैप कीजिए, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम ऐड कर सकते हो 5 रिप्लाई। अगर आपको इनमें से किसी को रिमूव करना हुआ, तो क्रॉस पे टैप कीजिए, ऐड करने के लिए ऐड पे टैप कीजिए। जो भी रिप्लाई आपको ऐड करना है, यहाँ पे उसे टाइप कीजिए। जैसे मैंने किया है आई विल कॉल यू इन अ बिट, तो सेव पे टैप कीजिए, सेव कीजिए। ये है वेदर सेटिंग्स, तो अगर आप चाहते हो वेदर जो है आपके लोकेशन का आपकी वॉच में शो करे, तो आपको इस पे टैप करके करना है इसे ऑन। फिर ये है फाइंड माई डिवाइस, तो आप इस ऑप्शन के जरिए अपने वॉच को ढूंढ सकते हो अपने फोन के जरिए, तो आपको इस पे टैप करना है। जैसे आप सर्च करोगे, आपकी वॉच में होंगी 3 चीजें, आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट, आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और आपकी वॉच में बजेगा टोन। स्टॉप करने के लिए स्टॉप पे टैप कीजिए। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। आगे है कैमरा शटर, जैसे आप इस पे टैप करोगे, आपको करना है वाइल्ड जिंदी ऐप पे टैप, अलाउ कीजिए। आपके फोन में ओपन होगा कैमरा और आपकी वॉच में ओपन होगा शटर बटन। तो आपको अपनी वॉच को शेक करना है, जैसे आप शेक करोगे आपके फोन में कैप्चर होगी फोटो। फिर यह है स्पोर्ट्स मोड सिलेक्शन, हालांकि आपकी वॉच में सपोर्ट करते हैं 100 से भी ज्यादा वर्कआउट मोड, लेकिन आप एक साथ प्लेस कर पाओगे केवल 10 वर्कआउट मोड को इस तरीके से। अगर आपको इनके प्लेस पे किसी और वर्कआउट मोड को ऐड करना हुआ, तो आपको एडिट पे टैप करना है। रिमूव करने के लिए आपको क्रॉस के आइकन पे टैप कीजिए और ऐड करने के लिए ऐड पे टैप कीजिए। अब आपको इनमें से किसी वर्कआउट को ऐड करना हुआ, तो उस पर इस तरीके से कीजिए सिलेक्शन, फिर कीजिए सेव। जो 10 वर्कआउट आपने यहाँ पे ऐड किए हैं, वही सेम वर्कआउट आपको शो करेंगे आपकी वॉच में भी। फिर यह है डिवाइस सेटिंग्स, इसमें है डिवाइस टाइम। आप अपनी वॉच में टाइम को सेट नहीं कर सकते, जो टाइम आपके फोन में शो कर रहा है सेम वही टाइम आपकी वॉच में भी शो करेगा। हालांकि आप टाइम फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे है 24 आवर का ऑप्शन, अगर आपको सेट करना है 12 आवर पे, तो 12 आवर सेट कीजिए। इस तरीके से आप टाइम फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो अपनी वॉच में। अब बात करते हैं होम पेज की, तो आपको होम पे टैप करना है। तो यहाँ पे आपको शो करेगा आज का हेल्थ ओवरव्यू, मतलब कि आज आप कितने स्टेप चले हो, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है और कितनी कैलोरी आपने बर्न की है। इसके अलावा आपने जो भी हार्ट रेट, इसके अलावा SpO2, स्ट्रेस मेजर किया है, आपका डेटा यहाँ पे शो करेगा और आपका स्लीप डेटा यहाँ पे शो करेगा। तो सोने के दौरान अगर आप अपनी वॉच को पहनोगे, तो आप कितने टाइम सोए, अलग अलग स्टेज आपको यहाँ पे शो करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे नीचे आपको शो किया जाएगा आपकी रिसेंट वर्कआउट, तो आपने अपनी वॉच में जो भी वर्कआउट किया होगा उसका डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा। आप टैप करके उसे चेक कर सकते हो डिटेल में इस तरीके से। प्रोफाइल आइकन पे टैप करके, फिर से अगर आप प्रोफाइल आइकन पे टैप करोगे, तो आप यहाँ से अपना डेटा एडिट कर सकते हो। आपको एडिट पे टैप करना है और जो भी आपको चेंज करना हो डेटा, आप उसे एडिट कर सकते हो यहाँ से। फिर यहाँ पे है माय गोल्स, तो आप अपने जो डेली गोल्स है यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको एडिट पे टैप करना है, जैसे कि आपको रोजाना कितने कैलोरी बर्न करनी है, कितना डिस्टेंस कवर करना है और कितने स्टेप चलने हैं, आप यहाँ से
चेंज कर सकते हो इस तरीके से, फिर सेव कीजिए, सेव। तो हमने इस ऐप के जरिए अपने वॉच का सेटअप कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं आपको वॉच को कैसे यूज करना है। इस वॉच में आपको मिलता है पाम कवर टू ऑफ का फीचर, मतलब कि जब भी आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन होता है, अगर आपको इसे ऑफ करना हुआ तो आपको अपनी हथेली से इसे कवर करना है डिस्प्ले को। आप देख पाओगे डिस्प्ले ऑफ हो चुका है। तो डिस्प्ले को ऑफ करने के लिए आपको करना है अपने पाम को कवर इस तरीके से। इस वॉच में आपको मिलती है दो बटन्स, एक है क्राउन बटन ऊपर में, नीचे है पुश बटन। होम पेज पे होते हुए अगर आप इस पे प्रेस करोगे तो आप एक्सेस कर पाओगे मेन मेनू को, ये है मेन मेनू। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बैक जाना हुआ तो आपको इस पे प्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। स्टेप बाय स्टेप बैक जाने का और एक तरीका है, आपको इसे स्वाइप करना है राइट में स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। होम पेज पे होते हुए अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप एक्सेस कर पाओगे पावर मेनू को। आपको यहां पे मिलेंगे तीन ऑप्शन इस वॉच को रिस्टार्ट करने के लिए, स्विच ऑफ करने के लिए और रिसेट करने के लिए। होम पेज पे होते हुए अगर आप इस पे रोटेट करोगे तो आप चेंज कर पाओगे वॉच फेस को, इसे घुमाकर आप वॉच फेस को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। इतना नहीं, अगर आप किसी भी मेनू में जाते हो या किसी भी सेटिंग्स को ओपन करते हो तो आपको अगर स्क्रॉल अप डाउन करना हुआ, ऊपर नीचे करना हुआ तो आपको इस पे करना है रोटेट ऊपर नीचे करने के लिए। नीचे वाला जो बटन है उसे दिया गया है वर्कआउट मोड को क्विकली एक्सेस करने के लिए। तो अगर आप होम पेज पे हो, ऐसे में अगर आप इस पे प्रेस करोगे तो आप एक्सेस कर पाओगे वर्कआउट मोड को, ये रहे वर्कआउट मोड। होम पेज पर अगर आप स्लाइड डाउन करोगे तो आपको यहां पे मिलेंगे आपके नोटिफिकेशन, यहां से आप रीड कर पाओगे उन्हें। और होम पेज पर अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, ऊपर में बैटरी लेवल, टाइम शो किया जाएगा। सबसे पहला टॉगल है साइलेंट मोड का, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में अगर कोई भी कॉल आएगा तो आपकी वॉच में रिंगटोन नहीं बजेगी, आपकी वॉच में होगा केवल वाइब्रेशन। ये है फाइंड माय फोन। मान लेते हैं आपने अपने फोन को कहीं रख दिया है और आपको नहीं मिल रहा है, तो आप अपने फोन को ढूंढने के लिए इसे यूज कर सकते हो। आपको इस पर टैप करना है स्टॉप करने के लिए, स्टॉप पे टैप कीजिए। आपका फोन अगर म्यूट मोड पे हुआ फिर भी आपके फोन में रिंगटोन बजेगी और आपका फोन करेगा वाइब्रेट। फिर यह है ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का टॉगल, तो आप यहाँ पे ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो टैप करके इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5। फिर यह है डीएनडी मोड, तो अगर आप डीएनडी मोड को ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल शो नहीं करेंगे, इसके अलावा आपकी वॉच में कोई भी वाइब्रेशन या रिंगटोन नहीं बजेगा। यह है बैटरी सेवर मोड, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी कॉल शो नहीं करेगा, इसके अलावा आपकी वॉच में जो डिस्प्ले है उसकी ब्राइटनेस एक लेवल पे सेट की जाएगी इस तरीके से। तो जब आपकी वॉच में बैटरी लेवल कम है तब आप इसका यूज कर सकते हो। आगे है सेटिंग्स, इसमें सबसे पहले है रिस्ट अवेक, मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर। तो आप इसे तीन तरीके से यूज कर सकते हो, एक तो हमेशा के लिए ड्यूरेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आपको यहाँ पे टाइम सेट करना है, जो टाइम आप यहाँ पे सेट करोगे उस टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। अगर आपको इसे यूज नहीं करना है तो कीजिए टर्न ऑफ, मुझे इसे यूज करना है हमेशा के लिए, ओपन ऑल डे। इसका मतलब क्या होता है, मान लेते हैं आपके वॉच में डिस्प्ले ऑफ है, अगर मुझे इसे ऑन करना है तो आपको अपनी डिस्प्ले को इस तरीके से रेस करना है ऊपर की ओर, डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। फिर ये है टैप टू वेकअप, मतलब कि डबल टैप टू वेक का फीचर। तो अगर आप इसे ऑन करोगे ओपन ऑल डे तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ है, अगर आपको इसे ऑन करना हुआ तो आपको करना है डबल टैप डिस्प्ले को ऑन करने के लिए। ऑफ करने के लिए कवर कीजिए, ऑन करने के लिए डबल टैप कीजिए। ब्राइटनेस को आप यहां से भी एडजस्ट कर सकते हो माइनस प्लस के साइन पे टैप करके। स्क्रीन टाइम आउट, मतलब कि डिस्प्ले कितने टाइम के लिए ऑन रहना चाहिए, तो यहां पे है अलग अलग ऑप्शन। अगर मैंने सेट किया है 15 सेकंड, मतलब कि अगर डिस्प्ले एक बार ऑन करूंगा मैं तो अभी 15 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। हालांकि आप इसे ऑलवेज ऑन पे भी सेट कर सकते हो। अगर आपने ऑलवेज ऑन पे सेट कर दिया, मतलब कि आपकी वॉच में डिस्प्ले कभी भी ऑफ नहीं होगा, अभी हमेशा के लिए ऑन रहेगा इस तरीके से। इसके अलावा जो पाम कवर का फीचर है वो भी काम नहीं करेगा डिस्प्ले को ऑफ करने के लिए। डिस्प्ले को ऑफ करने के लिए फिर आपको जाना होगा सेटिंग्स में और यहां पे होगा स्क्रीन टाइम आउट, आपको कोई भी टाइम सेट करना है। अब आपने टाइम सेट किया 15 सेकंड, 15 सेकंड के बाद डिस्प्ले ऑफ होता रहेगा। अच्छी बात है इस वॉच के बारे में कि आप किसी भी वॉच फेस को सेट करके ऑलवेज ऑन को ऑन कर सकते हो, मतलब कि कोई भी वॉच फेस आप सेट करिए आपकी वॉच में हमेशा जो डिस्प्ले है इस तरीके से ऑन रहेगा। आपको यहां पे मिलता है एओडी का फीचर, तो ये रहा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इसे ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद आपको यहां पे मिलेंगे चार ऑप्शन ऑप्शन डायल में, तो आपको जो स्टाइल चूज करनी है उस पर आपको टैप करना है। मुझे सेट करनी है ये स्टाइल, तो मैं इस पर टैप करूंगा। तो जैसे मेरी वॉच का डिस्प्ले ऑफ होगा मुझे मिलेगा ये एओडी मेरी वॉच में हमेशा के लिए, अब ये शो करेगा दो कांटे और डेट डे। तो आप चारों स्टाइल में से किसी भी स्टाइल को चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो सेट करोगे वो आपको शो करेगा डिस्प्ले ऑफ होने के बाद इस तरीके से। हालांकि आप इसे टाइम के हिसाब से भी यूज कर सकते हो, तो आपको एक्टिवेशन टाइम पे टैप कीजिए, टाइम पे टैप कीजिए, जो टाइम आपको सेट करना है उस टाइम को आपको यहाँ पे सेट करना है स्टार्ट टाइम एंड टाइम। जो टाइम आपने सेट किया उस टाइम के दौरान एओडी काम करेगा। अगर आपको हमेशा के लिए ऑन करना है तो रखिए ऑल डे पे। फिर ये है डीएनडी, आप यहां से भी डीएनडी को ऑन कर सकते हो टाइम के हिसाब से। आपको यहाँ पे ड्यूरेशन में टाइम सेट करना है,
जो स्टार्ट टाइम एंड टाइम आपने सेट किया है उस टाइम के दौरान डीएनडी काम करेगा आपकी वॉच में। हालांकि आप अपनी वॉच में स्मार्ट डीएनडी का भी यूज कर पाओगे। अगर आपने स्मार्ट डीएनडी को ऑन किया है तो जब भी आप सोते हो आपकी वॉच में ऑटोमेटिकली डीएनडी काम करेगा। आगे है रिंगटोन वाइब्रेशन। जब भी आपकी वॉच में कोई भी कॉल आएगा तो वाइब्रेशन कितने लेवल पे चाहिए, तो आप जो वाइब्रेशन का लेवल है यहां से एडजस्ट कर सकते हो प्लस माइनस के सेंड पे टैप करके। फिर आप यहां से भी साइलेंट मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। फिर है मेन व्यू। आपको यहां पे मिलते हैं दो स्टाइल, एक होता है लिस्ट व्यू, मतलब कि जो लिस्ट है इस तरीके से आपको शो करता है, इसे कहते हैं लिस्ट व्यू। और अगर आप सेट करोगे इसे ग्रिड व्यू पे तो इस तरीके से मेन मेनू शो करेगा। यह है ग्रिड व्यू। फिर यह है ऑटो स्पॉट डिटेक्शन। तो अगर आपने इसे ऑन किया है तो जब भी आप अपनी वॉच को पहनते हुए रनिंग या वॉकिंग करोगे तो आपकी वॉच में ऑटोमेटिकली रनिंग या वॉकिंग का वर्कआउट मोड स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि आपको वॉच में कंफर्म करना पड़ेगा तभी आपकी वॉच में स्टार्ट होगा वर्कआउट मोड। इसके बाद फिर आपको मिलेंगे यहाँ पे तीन ऑप्शन इस वॉच को रिस्टार्ट करने के लिए, स्विच ऑफ करने के लिए और रिसेट करने के लिए। होम पेज पर अगर आप करोगे स्वाइप लेफ्ट तो आपको मिलेंगे यहाँ पे अलग अलग विजेट, जैसे कि हार्ट रेट है, इसके अलावा SPO2 है, स्लीप डेटा। तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड हो तो आपको सोने के दौरान अपनी वॉच को पहने रखना है। इसके अलावा आगे है स्ट्रेस मॉनिटर और ये है आपके अलग अलग विजेट जैसे कि एक्टिविटी, अलार्म। आप शॉर्टकट तरीके से इन ऐप्स को ओपन कर सकते हो टैप करके इस तरीके से। अब बात करते हैं मेन मेनू की। तो आपको ऊपर वाले बटन पे प्रेस करना है, ये है मेन मेनू। सबसे पहले है नॉइस हेल्थ, तो आपके जो हेल्थ पैरामीटर है यहाँ पे शो करेंगे जो हम देख चुके हैं। फिर ये है नॉइस बस, मतलब कि कॉलिंग का फीचर। तो जो भी कॉन्टैक्ट्स आपने ऐड किए यहाँ पे शो करेंगे कॉन्टैक्ट्स में, आपके 10 कॉन्टैक्ट्स। अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। फिर ये है कॉल हिस्ट्री, तो आपके जो भी पिछले कॉल से यहाँ पे शो करेंगे आप इस तरीके से देख पाओगे टाइम के साथ। और अगर आपको इनमें से किसी को भी फिर से कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। हालांकि आप अपने कॉल हिस्ट्री को यहां से रिमूव या क्लियर नहीं कर सकते। इसके बाद डायल पैड, तो आप यहां पे किसी भी नंबर को डायल करके काफी आसानी से कॉल कर सकते हो इस तरीके से। आगे एक लॉक, इसमें आपको मिलेगा अलार्म का फीचर। तो आप प्लस के साइन पर टैप करके अलार्म को ऐड कर सकते हो, मैक्सिमम 5 अलार्म आप ऐड कर पाओगे। टाइम को सेट कीजिए, ये है आवर, ये है मिनट। एम पीएम को चेंज करने के लिए आपको 12 से पहले आना है, अब हो जाएगा एम, 12 के बाद पीएम। टिक पे टैप कीजिए। जिस दिन को आपको अलार्म को प्ले करना है आपको उन दिन को चूज करना है, फिर आपको करना है एंड में टिक पे टैप। अलार्म को आप यहां से इस तरीके से ऑन ऑफ कर पाओगे, टैप करके आप उसे चेंज भी कर पाओगे या इसे डिलीट भी कर पाओगे। जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। फिर आगे है वर्कआउट, जो भी आपने 10 वर्कआउट ऐड किया आपके ऐप में यहाँ पे शो करेंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी वर्कआउट को स्टार्ट करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है, स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे शो करेगा टाइमर, कितना टाइम हुआ है इस वर्कआउट को, आपका रियल टाइम हार्ट रेट और आपने कितनी कैलोरी बर्न की है। अगर आपको इसे स्टॉप करना हुआ तो आपको बटन पे प्रेस करना है, ये हो चुका है पॉज। रिज्यूम करने के लिए कंटिन्यू पे टैप कीजिए और एंड करने के लिए कीजिए एंड। अगर आप चाहते हो आपका वर्कआउट डेटा सेव हो तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है, और जो भी आप वर्कआउट करोगे उसका डेटा सेव होगा यहाँ पे स्पोर्ट रिकॉर्ड में। आगे है म्यूजिक, तो आप यहां से अपने फोन के म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो। अपनी वॉच में आप म्यूजिक को प्ले नहीं कर पाओगे, तो प्ले करोगे अलाउ कीजिए अपने फोन में। अगर प्ले करने पे आपके फोन में म्यूजिक प्ले नहीं हुआ तो आपको म्यूजिक प्लेयर को ओपन करना है, प्ले करके पॉज कीजिए, इसके बाद म्यूजिक प्लेयर काम करेगा। प्रीवियस, नेक्स्ट, वॉल्यूम को आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो प्लस माइनस के सेंड पे टैप करके। तो म्यूजिक आपके फोन में प्ले होगा, वॉच में म्यूजिक प्ले नहीं होता। इसके आगे वेदर, तो आपके लोकेशन पे वेदर कैसा रहेगा, कितना रहेगा और आने वाले अगले 4 दिन का वेदर कैसा रहेगा आप यहां पे चेक कर सकते हो मैक्सिमम मिनिमम वेदर के साथ। फिर आप यहां से भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो, आपको स्वाइप करना है, जिसे सेट करना है आपको उस पर टैप करना है इस तरीके से। फिर आपको मिलेगा यहाँ पे स्टॉक्स का ऑप्शन, जो भी आपने स्टॉक ऐड किया आपके ऐप में यहाँ पे शो करेंगे। रियल टाइम आप स्टॉक्स के प्राइस को ट्रैक कर सकते हो। इसके बाद ये फ्लैश लाइट आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। और ये है कैल्सिका फीचर, तो आप कैल्सिका भी यूज कर पाओगे इस वॉच में। और एंड में है सेटिंग्स जो हम पहले ही देख चुके हैं। दोस्तों तो ये था नॉइस विजन 3 स्मार्ट वॉच का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।